वहीं रायपुर में जगरगुंडा में नक्सलियों के हमले मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बौखलाहट में नक्सली हमले कर रहे हैं, सुरक्षा के जवान लगातार लोहा ले रहे हैं। इसके अलावा साव ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया है। अपने कार्यकाल को जरा कांग्रेसी याद करें, सरकार के संरक्षण में अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हैं। तो निश्चित रूप से वो बौखलाहट में इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी के साथ बस्तर को शांति और विकास की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।